जल्दी से अच्छे हो जाएं, और कोई हमको कोई प्रोसीजर करना ना पड़े और घर चले जाएं। दुआ कर रही है वो, दुआ तो ज़रूर कर रही है वो, और उनके इलाज से और उनकी तबीयत से वो आज उनकी तबीयत कल से तो बेहतर है। आज सवेरे उनकी जो प्राइमरी कंसल्टेंट है डॉक्टर नितिन गोखले जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने उन्हें देखा है, उसके बाद उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और डिस्कशन भी हमने की। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज आके देख लूँ, सारे रिपोर्ट्स भी देख लूँ, क्लिनिकल उनको इवेल्युएशन भी कर लें। तो हम दोनों ने यह तय किया है कि उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इम्प्रूव हो चुका है और उनकी सांस लेने की जो दिक्कत थी वो कम हो चुकी है। सारा जी उनके साथ ही हैं और वो भी खुश हैं उनके इम्प्रूवमेंट से। तो जो भी हम प्रोसीजर करना चाहते थे वो अभी हम प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम लोग होल्ड ऑन करेंगे। और उसी तरह अगर इम्प्रूवमेंट अच्छा रहा और पानी भी कम हो चुका हो गया तो हम उन्हें जल्द से जल्द घर भी भेजेंगे। सर लंग्स में पानी भर गया था, जो प्लूरा में भर गया था तो वो कम हो चुका है दवाइयों से और हम लोग खुश हैं। तो हम कोई एग्रेसिव प्रोसीजर वगैरह करने का नहीं सोचा। हम कह सकते सर 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं? हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।